ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। फायर हो गई मायावती, योगी सरकार से सीधी पूछा तगड़ा सवाल। योगी के फैसले से मायावती हुई भयंकर नाराज। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती को योगी सरकार का एक फैसला इतना नागवार गुजरा कि मायावती ने सीएम योगी को दमभर सुना दिया। बोली तो तिरुपति के प्रसादम से लेकर बात कांवड़ तक आ गई। लगातार मायावती हर मुद्दे पर बोल रही है, विरोधियों के धागे खोल रही है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रही मायावती के निशाने पर अब जब बीजेपी है तो योगी सरकार पर मायावती ने कई सारे आरोप लगा दिए। मायावती ने यूपी सरकार के आदेश से होटलों और ढाबों में नाम पता लिखे जाने वाले मामले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम और जनता का ध्यान बटाने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबों आदि में मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से चर्चा में है। ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम और जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। मायावती आगे लिखती हैं, वैसे तो खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून है, फिर भी सरकारी लापरवाही मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। क्या अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने से मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी और उद्वेलित कर रखा है और जिसको लेकर राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन, ये चिंतन जरूरी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि योगी सरकार का वो कौन सा फैसला है। दरअसल लगातार कहीं जूस में पेशाब मिलाए जाने की, कहीं थूक लगाकर रोटी बनाए जाने की जैसी खबरें आ रही थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। होटल्स, ढाबों और रेस्टोरेंट्स जैसे खाने पीने की दुकानों, रेहड़ियों की गहन जांच, सत्यापन के आदेश दिए। इन तमाम प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता डिस्प्ले किए जाने के लिए कहा गया, जिसे कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट जैसा आदेश मायावती ने बताया और इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान जुलाई में यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों के मालिकों की नेम प्लेट लगवाने के निर्देश दिए थे। बाद में योगी सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया था। इस पर भयंकर विवाद हुआ था, विपक्ष भी हमलावर हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां पर कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर से योगी सरकार ने जिस तरह का आदेश दिया है और उस पर मायावती जिस तरह से हमलावर हुई हैं, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।